1990 के दशक में हुसैन बदरुद्दीन अल हूती की ओर से बनाए गए संगठन ने इन दिनों इजराइल, ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के नाक में दम करके रखा है। इजराइल हमास युद्ध की शुरुआत से ही यमन के हूती आतंकी लगातार लाल सागर से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर मिसाइलों से हमले कर अपना शिकार बना रहे हैं। लाल सागर में एक जहाज को डुबाने के बाद धमकी पर उतरे हूतियों ने यह तक कह डाला कि लाल सागर से गुजरना है तो पहले इजाजत लो। साथ ही हूतियों ने दुनिया भर के देशों को यह भी चेतावनी दे डाली है कि जो भी लाल सागर में अमेरिका के साथ आएगा उसका हश्र बुरा होगा। इस बीच खबर सामने आई है कि यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाजों पर हमलों के बाद अब भूमध्य सागर में इजराइल जाने वाले जहाजों पर अपने हमले बढ़ाने की धमकी दी है। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याहा सारिया ने कहा कि हम भूमध्य सागर में किसी भी इलाके में इजरायली बंदरगाहों की ओर से जाने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाएंगे। हमारा मकसद उन सभी जहाजों को निशाना बनाना है जो इजरायली नेविगेशन पर प्रतिबंध का उल्लंघन करते हैं। عن القوات المسلحة اليمنية الله الرحمن الرحيم قال تعالى واستجابة لنداءات المقاومة تعلن بدأ تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد وعلى النحو التالي: أولا استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أي منطقة تطالها أيدينا. ثانياً. बता दें कि इजराइल के भूमध्य सागरीय बंदरगाह यमन से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ये साफ नहीं कि हूती इजराइल के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। दावा किया जाता है कि हूतियों के पास लंबी दूरी की मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। ईरान की ओर से हूती विद्रोहियों को कई आधुनिक हथियार मिलते रहते हैं। बताया जाता है कि हूतियों के पास है 1600 से 1900 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और ईरानी शहीद 136 ड्रोन जो कि 2000 किलोमीटर तक की दूरी तय करने की ताकत रखते हैं। हूती विद्रोहियों ने बीते सोमवार को हिंद महासागर में ड्रोन हमले में MSC ओरियन कंटेनर जहाज को निशाना बनाया था। बताया जाता है कि पुर्तगाली झंडे वाला जहाज ओमान बंदरगाहों से गुजर रहा था। विद्रोहियों ने पहले अपने हमले को हिंद महासागर तक और यमनी तट से बचने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जहाजों तक बढ़ाने की धमकी दी थी। हालांकि हूतियों का फिलहाल पूरा फोकस लाल सागर और अदन की खाड़ी ही रहा है। गौरतलब है कि हूतियों के बढ़ते हमलों के चलते शिपिंग कंपनियों को दक्षिणी अफ्रीका के आसपास लंबी और अधिक महंगी यात्राओं के लिए कार्गो को फिर से रूट करने के लिए मजबूर किया है। हालांकि ऐसी आशंका है कि गाजा पर इजरायली युद्ध फैलने से पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव आने वाले दिनों में और चरम पर पहुंच सकता है।